हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद मुंबई की कार्यकारिणी गठित की गई। मुंबई के बांद्रा के लीलावती अस्पताल के सामने मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के हॉल में एक भव्य समारोह का आयोजन कर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद मुंबई की कार्यकारिणी गठित की गई और नवनियुक्त पदाधिकारियों को परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्र के मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजवल के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। गौरतलब हो कि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के मुंबई अध्यक्ष सदानंद मंडलिक द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजवल, समीर भाऊ भुजवल पूर्व सांसद, पंकज भाऊ भुजवल पूर्व विधायक, बापू भुजवल कार्याध्यक्ष अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, शिवाजी राव नलावाड़े उपाध्यक्ष, रविंद्र पवार महासचिव, डॉक्टर डी एन महाजन सचिव मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया गया। उसके बाद अनेक मान्यवरों ने समारोह को संबोधित किया। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजवल ने परिषद द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी कार्यों को बताया। वहीं मुंबई अध्यक्ष सदानंद मंडलिक की सराहना की। वहीं शिवाजी राव नलावड़े ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मैं भी मुंबई का अध्यक्ष था, लेकिन इतना बड़ा समारोह हमने नहीं किया था। और सदानंद मंडलिक ने जितने कार्यकर्ताओं को बनाया है, इसका 10% कार्यकर्ता हमारे समय में थे। मान्यवरों को संबोधन के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजवल के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। मुंबई अध्यक्ष सदानंद मंडलिक और उनके पदाधिकारियों ने पुष्पमालाओं से उपस्थित मान्यवरों का स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाए जाने हेतु लहूजी सालवी, डॉक्टर सचिन मंडलिक, बबन राव मदने, सुदर्शन मंडलिक, श्रीकांत मयेकर, दशरथ कुराड़े, सुनील गिरी, दाऊद इरफान ने अथक प्रयास किया। उक्त अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के हजारों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मैं हूं मोहम्मद मुकीम शेख और आज हमारे साथ में हैं अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के मुंबई अध्यक्ष सदानंद मंडलिक जी। आज यहां पर मुंबई के बांद्रा में बहुत ही बड़ा इन्होंने भव्य कार्यक्रम लिया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि सर, ये आपने ये जो कार्यक्रम लिया था, इसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद जो है वो मुंबई छोड़ के पूरा महाराष्ट्र और उर्वरित सब हिंदुस्तान में, भारत भर में इसकी संगठन है। लेकिन मुंबई की संगठन जो थी शुरू में वो ना के बराबर थी, तो आदरणीय भुजवल साहब ने मुझे ये मुंबई का जो अध्यक्ष पद की धुरा मेरे कंधे पे रखी, तो मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि ये संगठन मुंबई में बांधने का कुछ ग्रास रूट से कुछ ही नहीं है, तो अपने को कुछ करना चाहिए। एक अच्छा ढंग से ये जो कमेटी है मुंबई की वो होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने मैं पहला शुरू में एक ऑफिस लिया। ऑफिस में बैठ के हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, जो जो सोशल मीडिया है वो मीडिया के माध्यम से मैं ये संगठन जुटाने का चालू किया। इसके बाद आस्ते 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 एक से एक जुड़ जुड़ के ये तालुका, फिर अगला तालुका, फिर जिला, पूरा सब जितने मुंबई भर के 6 जिले हैं और उनके तालुका है, उन वहाँ के सब कार्यकर्ता जो जवान, आज आपने देखा होगा कि पूरा ये मुंबई के जो इकट्ठा हुए थे वो ज़्यादा करके यूथ थे।
और वो यूथ एक उम्र वाले नेता के पीछे खड़े रह गए। सबसे बढ़िया वो बात है, बड़ी बात है कि वो नेता हम लोग के जो हम उम्र वाले नेता है उनके पीछे सब जवान तरुण यूथ लोग पीछे खड़े रहे और वो लोग सब दिल से आए ले हैं, क्योंकि जो समता परिषद का जो इतर बागास वर्ग है, मुस्लिम दलित मुस्लिम के जो ओबीसी लोग हैं, दलित समाज है, इनके लिए जो समता परिषद कुछ ना कुछ कर रही है, उनके जो मांग है उनके मांग को पूरी करने के लिए झगड़ रही है। बोलो। जैसा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबल जी ने और शिवाजी राव नलावड़े जी ने भी कहा कि इस तरह की मुंबई में इसके पहले समता परिषद की आज जैसी भव्य सभा नियुक्ति पत्र बांटा गया, इस तरह का कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ, और उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर एक आशा और एक छुपा हुआ जिम्मेदारी दी है कि एक शिवाजी पार्क भरने का उन्होंने लक्ष्य दिया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर लोगों की निगाह है छगन भुजबल साहब की कि शिवाजी पार्क समता परिषद की तरफ भरी जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुंबई का अखिल भारतीय समता परिषद का मुंबई का अध्यक्ष हूँ। शिवाजी पार्क मेरे मुंबई में आ रहे हैं, वो मुंबई का मैं अध्यक्ष है। वो बात उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि उन्होंने ये सब माहौल देखा कार्यकर्ताओं का, तो उन्हें लगा कि उनके 28 साल के कार्यकाल में समता परिषद की जो ये मीटिंग हुई मुंबई की, सब जो पदाधिकारी है उनके सहयोग से इतनी ताज़ा बड़ी तादाद में हो गई है, और उन्होंने ऐसा एक रखा मेरे सामने और साहब ने भी भुजबल साहब ने भी उनको आपसे ही आशाएं जगी है। उनकी उम्मीदें जाग उठी है कि ये सदानंद मंडलिक कर सकता है, क्योंकि ग्रास रूट का कार्यकर्ता है। मैं नेता नहीं है, मेरे दिमाग में नेतेपन का कुछ हवा नहीं है, मैं सामान्य कार्यकर्ता को जुट के काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ राजनीति में, लेकिन मैं एज अ कार्यकर्ता करके ही काम किया है, और उनकी आशा उन्होंने रखी है मेरे सामने। अगर ये मुंबई अच्छी ढंग से एक बरस 6 महीने के अंदर अगर बांधी जाती है, जो कमिटी वगैरह लेके संगठन मजबूत होगा, तो मुंबई का शिवाजी पार्क क्या रामलीला मैदान पे भी मुंबई की तरफ से अपन प्रोग्राम करेंगे। देखिए, मंडलिक साहब ने कहा कि पहले हम संगठन को मजबूत करेंगे, तालुका वार्ड और बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे, और उसके बाद शिवाजी पार्क तो छगन भुजबल साहब का उम्मीद है, शिवाजी पार्क नहीं रामलीला मैदान भी भरने की वो क्षमता अपने कार्यकर्ताओं के दम पर रखते हैं। अब ये तो समय बताएगा कि समता परिषद के जो भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं वो मंडलिक साहब के आशाओं को और छगन भुजबल साहब के आशाओं को कितना पूरा करते हैं। अब इनसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि सर, जैसा कि आज देश में एक माहौल है NPR CA और NRC को लेकर, उसके बारे में आप समता परिषद की तरफ से क्या मैसेज देंगे देशवासियों को और मुंबई वासियों को? देखो, ये जो NCR ये जो मामला चालू है, इसके बारे में हमारे भुजबल साहब हमें जो आदेश देंगे वो आदेश हमारे सर पे रख के हम लोग काम करेंगे। वो रास्ते पे उतरने को बोलेंगे तो हम रास्ते पे उतरेंगे, ये सब पूछ लेके। ये सब सहकार्य हमारे जो है वो सब खाली आदेश के राह देख रहे हैं, और मैं भुजबल साहब का आदेश का राह देख रहा हूँ। वो जो जो आदेश देंगे वो कार्यक्रम हम लोग करेंगे। अभी आप अपने समता परिषद के पदाधिकारियों को और जो लोग आपको देख रहे हैं, मेरे सामने जो लोग देख रहे हैं, मुंबई वासियों को और देशवासियों को, आप मुंबई अध्यक्ष होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना बड़ा नेता नहीं है, नहीं, लेकिन आपको भाई इतना ही बोलूँगा, मैं मैसेज तो बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर दे सकते हैं, नेता लोग दे सकते हैं, मैं एक कार्यकर्ता समता परिषद का इतना ही बोलूँगा कि जो अपना इतर मागास वर्ग या दलित, उसके जो हक के जो सवाल है उसके लिए झगड़ने के लिए आप लोग सब मेरे पीछे खड़ा रहिए, और वो अपना सब अपने काम अपन भुजबल साहब के नेतृत्व में करके लेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद जी, मंडलिक जी, आप अपनी टीम के साथ
आप आने वाले समय में आपकी जो भी आशाएं हैं पूरी करेंगे मुंबई वासियों के लिए और सभी के लिए, आप झुंझारू लड़ते रहेंगे और उनका कार्य करते रहेंगे, ऐसे मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आपके जो भी कार्यक्रम हो आप हमें बुलाते रहिए, आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।